रहस्यमय गुफा। एगो दिन मिठू तोता ड्रीमलैंड जंगल से सैर खातिर निकलल और घूमत घूमत गोल्डी के जंगल ब्लू लैंड पहुंच गई। कुछ मिनट के बाद ओकरा के पेड़ के डाली पर एगो मैना बैठल नजर आयल। उहो ओकरा लगे जाके बैठ गई। हेलो मैना, हमार नाम मिठू है और इतार? मिठू, हमार नाम चिंकी मैना है। तारा पहले हम कभी ना देखनी, कौनो और जंगल से हवा का? हाँ, हम ड्रीमलैंड से आयल बानी। एगो बात तो बतावा, यहाँ पक्षी में कौनो बच्चा काहे नहीं खे? सब बड़े पक्षी बड़े। तारा टाइम आवे पे सब पता चल जाई। चाहा तो कुछ दिन यहाँ रुक सकेला, यहाँ हमार कौनो दोस्त नहीं खे। उ दिन के बाद मिठू और चिंकी खुशी खुशी यहाँ रहे लगलन सब। एगो दिन चिंकी एगो अंडा के जन्म देलस, जेकरा के देख के मिठू बहुत खुश भइल। मिठू, अब तहरा के सच बतावे के टाइम आ गइल बा। हमनी के इस जंगल में एगो रहस्यमय गुफा बा। जंगल में जब भी कोनो पक्षी के अंडा से कोनो बच्चा निकलेला तो अगला दिन वो अपना आप खींच के उ गुफा के अंदर चल जाला और कबो वापस ना आवेला। तो फिर ओकर माई बाप ओकरा ढूंढे खातिर गुफा के अंदर काहे ना जाले? कितना ही पक्षी कोशिश कइलन सा, लेकिन वो गुफा जेकरा चाहे ले उहे ओकरा अंदर जा सकेला। यही खातिर ओकरा अंदर आज तक कौनो ना जा सकल बा और वो गुफा के रहस्य आज तलक रहस्य ही बा। यही खातिर कहतानी हमनी के बच्चा पैदा होके से पहले ही यहाँ से चली जा। हमनी के कहीं ना जाई, हमार बच्चा हमनी के साथ यही जा रही, तू फिकर मत करा। मिठू चिंकी के बात ना मनलस और फिर उहा में रह के अंडा के देखभाल करे लागल। कुछ दिन बाद जब अंडा से बच्चा निकलल तो दोनों बहुत खुश भइलन सब। अगला दिन मिठू और चिंकी दोनों अपन बेटा मुन्नू के साथ घोंसला में बैठल रहन सब। तभी मुन्नू अपना आप हवा में उठ गई। मम्मी मम्मी, हम हवा में कैसे उठ गई नी? अरे ये कैसे हो गई? तो के एक दिन में उड़े कैसे आ गई? हम कहले रही ना यहाँ से चली। मिठू कुछ समझ पाई, एकरा पहले ही मुन्नू अपना आप गुफा की ओर तेज उड़े लागल और दोनों माँ बाप ओकर पीछा करे लगलन सा। मुन्नू बेटे रुक जा, उ तरफ मत जा। मम्मी, हमर खुद पे कंट्रोल नहीं खे, हम जानबूझ के उ तरफ नहीं खे जात। मुन्नू तेजी से अपना आप गुफा के तरफ खींचल चल जात रहे और वो दोनों ओकरा तक पहुँच ही ना पावत रहन सा। मम्मी बचाओ मम्मी। तभी वो गुफा के अंदर नीला रोशनी में गायब हो गयी। मिठू और चिंकी वहाँ पहुँचला सन तो वो भी ओकरा अंदर घुसे के कोशिश करे लगलन सा, लेकिन ओकनी के एको झटका लागल और दोनों जमीन पे गिर गयलन सा। इका भाईल, हमनी के अंदर काहे नहीं जा पावत? यही दिन खातिर हम तहरा के कहत रही ई जंगल से चला, अब वो कबो वापस ना आई और हमनी के भी गुफा के अंदर ना जा सकम जा। इस जंगल में कोई भी पक्षी के बच्चा अपना माई बाप के साथ ना रह सके, वो एक दिन के होकत खुद ब खुद हमरा पास खींचत चलल आई। तू के हुआ का भाई गुफा के रहस्य? आखिर काहे हमार बच्चा के अगवा कर रहल बाड़ा? ये गुफा में हमार मर्जी के अलावा सिर्फ शेर बिरादरी के ही अंदर आ सकेला। अगर ये गुफा के रहस्य जाने के बाद तू शेर के पास जा, जे हमरा से हमार बच्चा के छिन ले रहे, लेकिन तहनी के बच्चा हमेशा ऐसा ही गायब होत रही है सन। ई सुन के मिठू और चिंकी मैना गोल्डी के लगे पहुँचला सन। हम गुफा के अंदर नहीं की जाए वाला, ओकर रहस्य सुलझावे के चक्कर में हम अपन जान खतरा में नहीं की डाल सकत, चल फोट यहाँ से। गोल्डी के बात सुन के दोनों परेशान हाल में ड्रीमलैंड जंगल में शेर खान के लगे गोइलन सा। अगर ऐसन बा तो हम गुफा के अंदर जरूर जाए और ओकर रहस्य के सुलझा के ही रह। शेर खान उ दोनों के साथ गुफा पे पहुंचल, फिर उ ओकरा अंदर चल गई। अंदर जाके उ देखलस कि गुफा के अंदर बहुत ही खूबसूरत जंगल रहे। फिर ओकरा के सामने एगो तोता और मैना बैठल नजर आई लसन, जौन देखे में बहुत ही बड़ और खूबसूरत रहन सा। तू हमार जंगल के पक्षियन के बच्चा के छीन के ओकनी के काहे परेशान कर रहल बारा? तहारी गुफा के का रहस्य बा? तू उ शेर ना हुआ, उ तो कौनो और रहे। हाँ, हम ही जंगल के राजा ना है, हम ड्रीमलैंड जंगल से आयल है, लेकिन तू अपन समस्या हमके बता सकेला। ई रहस्यमय गुफा ई खातिर कहावेले कि यहाँ पे हमार जैसन पक्षी ही रहेलन जा, हमनी के अलावा यहाँ कौनो ना आ सकेला। लेकिन हमनी के बदकिस्मती बा कि शेर बिरादरी के जानवर यहाँ अपन मर्जी से आ सकेलन सा। एक दिन हमनी के अपन बच्चा के साथ खेलत रही जा, तभी एगो शेर यहाँ आयल, ओकरा के हमनी के बच्चा इतना पसंद आयल कि ओकरा के अपन मुँह में दबा के ले गयल। हमनी के गुफा से बाहर ना निकल सकत रही जा, यही खातिर ओकरा के रोक ना सकनी जा, तभी से हमनी के ओकर जंगल के सब बच्चन के अगवा करे लगनी जा।
तू लोग ठीक नहीं करत। हमनी के बच्चा वापस ना आ सकेला, यही खातिर हमनी के ओकर जंगल के कोनो भी पक्षी के बच्चा के ओकनी लगे ना रहे देवे नीजा। इस उनके शेर खान गुफा से बाहर निकलल और सब जानवरन के लेके गोल्डी के लगे गईल। गोल्डी के ई हरकत के सुन के सब बहुत गुस्सा में आ गईलन सब। गोल्डी, तहार कैला के सजा पूरा जंगल भुगत रहल बा। अरे है एगो छोट तोता के बच्चा के खाए में तारा तनको शर्म ना आई? ऐसा नहीं के शेर खान, हमरा मौसी के तोता पाले के बड़ा शौक रहे और यू हमसे कहली कि तारा जंगल के एगो खूबसूरत तोता हमके ले आके दो हमरा पोसे के बा। एक दिन ऐसा ही हम शिकार के तलाश में वो गुफा के अंदर घुस गई नी और ओकर बच्चा हमके पसंद आ गई। तब वो कहाँ बढ़े सन, ओकरा हम पिंजरा में कैद करके अपन मौसी के जंगल में भेजले बानी। आज शाम भइला से पहले ओकरा लेके तू गुफा के बाहर पहुँचा, नहीं तो के हमसे मुकाबला करे के पड़ी। अब गोल्डी शाम होके से पहले तोता के बच्चा के लेके गुफा के बाहर पहुंच गई। मोंटू, ये तोता के आजाद कर दे। सुन के मोंटू बंदर पिंजरा के दरवाजा खोल के ओकरा आजाद कर देलस। गोल्डी, अब तू ये बच्चा लेके गुफा के अंदर जा और यकर माई बाप से जाके माफी मांगला, जैसन तू कहे शेर खान। गोल्डी तोता के साथे उ गुफा के अंदर चल गई। दोनों तोता मैना अपन बच्चा के देख के खुश हो गईलन सा और ओकरा से लिपट गईलन सा। बच्चा भी ओकनी से लिपट के बहुत खुश दिखाई देवत रहे। हमके माफ कर दा तोता और मैना जी, हम आपके साथ अच्छा नहीं की कहले, हो सके तो हमर जंगल के बख्शियन के छोड़ दी। हमनी के तहरा के माफ कहनी जा गोल्डी, ये बच्चन के भी हमनी के आजाद कराता नहीं जा, क्योंकि हमनी के पता बा एकनी के माँ बाप भी हमनी के तरह अपन बच्चा के देखे खातिर तरसा तरन जा। कुछ देर बाद गोल्डी बाकी पक्षियन के सब बच्चन के साथ गुफा से बाहर आ गई। मिट्ठू, चिंकी और बाकी माँ बाप भी आपन बच्चन से मिलके बहुत खुश भइलन जा। बहुत बढ़िया गोल्डी, आगे से तू एगो राजा के फर्ज निभाई हा और कोनो गलती मत करी हा। ओकरा बाद सब आपन आपन घरे पहुँच गईलन सा और फिर से गोल्डी के जंगल में भी पक्षियन के मीठा चहचहाहट के आवाज गूंजे लागल।